बच्चों अभी हम एक पोयम स्टार्ट ले लेते हैं। आपके इंग्लिश की पोयम है, सो फर्स्ट फ्लाइट की, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट की आपकी इंग्लिश का पोयम 6 है, ठीक है। इंग्लिश की पोयम 6 फर्स्ट फ्लाइट की। सो पोयम का नाम है अमांडा, ठीक है। AMANDA, अमांडा। सो अमांडा एक आपकी तरह ही, आप में से जैसे आप लोग की एज है, आपकी एज की ही लड़की है, और लिखी है ये पोयम रॉबिन क्लैन ने, ठीक है। सो इसमें जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो पोएट है उन्होंने वो लिखने का ट्राई किया है कि भाई बच्चों की फीलिंग्स क्या होती हैं और बच्चे उनसे, पेरेंट्स उनसे क्या चाहते हैं, और सामने बच्चों की फीलिंग्स क्या होती हैं। बच्चे होते हैं मतलब जो आपकी एज है, ठीक है, बचपन से आप जब थोड़े टीनेज की तरफ जाते हैं, एडोलेसेंट, तो वो जो एज होती है तो उसमें पेरेंट्स आपको एक्सपेक्ट करते हैं आप मैच्योर हो जाओ, सब खुद करो, पर आप अभी भी थोड़ा से बच्चे रहना चाहते हो। सो यही, बस यही एक पोयम है, पोएट ने लिखाया है कि भाई, लिखा है कि किस तरह से फीलिंग्स होती हैं बच्चों की। तो यहाँ एक बच्ची है जिसका नाम है अमांडा। सो ये है आपका पेज 61, ठीक है। सो पेज 61 पे है आपका, पेज 60 मतलब पेज 61 हुआ, सो पेज 61। तो पोयम आपकी है, देखो हर बच्चे को ऐसे लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है या उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि भाई ये चीज कर, वो चीज नहीं कर, पर आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है उसे कर्टेल कर दिया गया। मतलब फ्रीडम को एक, जैसे फ्रीडम को थोड़ा सा किसी ने रेजिस्ट किया हुआ है, तो इस तरह से मतलब यहाँ पे भी एक ऐसा ही कुछ है। सो द फर्स्ट पैराग्राफ, मैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ रीड करती हूँ। सो व्हाट इज द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टैंजा या फर्स्ट पैराग्राफ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे जो इनकी मदर है, क्या बोल रही है अमांडा की मदर, अमांडा को क्या बोल रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच का मतलब यहाँ क्या है, झुकाना, लोअर डाउन, अपने शोल्डर्स झुका के मत बैठो। हम बैठते हैं ना तो मम्मी कहती है तन के बैठो, ठीक है। सो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, भाई झुक के नहीं बैठो, शोल्डर्स को झुकाओ नहीं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, स्लाउचिंग का मतलब झुक, नीचे मत झुक, ठीक है। सो स्लाउचिंग मतलब नीचे झुकना, ठीक है, बेंड डाउन। तो कह रही है कि भाई बेंड डाउन मत हो और सीधी बैठ अमांडा। तो यहाँ पे मदर उसकी जो नेल बाइटिंग है उस पे बोल रही है, फिर अमांडा हंच कर रही है शोल्डर्स, भाई शोल्डर्स को झुका रही है उस पे बोल रही है, फिर यहाँ पे स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब खुद पूरी झुक के बैठ रही है उसे बोल रही है, एंड सिट अप स्ट्रेट, भाई इसे झुक के नहीं बैठा कर, सीधी बैठा कर। अब ब्रैकेट में दूसरा पैराग्राफ, दूसरा स्टैंजा ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट किस लिए है, ये ब्रैकेट है अमांडा इमेजिन कर रही है, ये ब्रैकेट अमांडा की इमेजिनेशन दिखा रही है। रियलिटी कहाँ क्या है, ऊपर जो उसकी मदर ने बोला। अब ये जो ब्रैकेट है अमांडा की इमेजिनेशन दिखाएगी, क्या है ये ब्रैकेट, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब क्या अमांडा अब अपने विचारों में खोई हुई है, अमांडा अपनी जो कहते हैं ना अपनी दुनिया में ही कुछ सोच रही है, खोई हुई है। हम नहीं, आपकी उम्र के बच्चे कुछ उटपटांग सा अजीबो गरीब सा सोचते रहते हैं, ठीक है, जो आप हम बड़ों से शेयर नहीं करते हो, और आपको लगता है आप शेयर करोगे तो हम समझेंगे नहीं, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ अमांडा अभी जब उसकी मदर उसको डांट रही है या उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उस टाइम वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है। सो व्हाट इज दैट इमेजिनेशन, द इमेजिनेशन इज देयर इज द लैंग्विड एमरल्ड सी, लैंग्विड मतलब काम, शांत, ठीक है। सो देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड, एमरल्ड का मतलब
प्रेशियस स्टोन, ठीक है, एमेरल्ड होता है, ग्रीन कलर का एक प्रेशियस स्टोन होता है जो सीज में पाया जाता है. सो ग्रीन ग्रीन कलर का प्रेशियस स्टोन वाली सी है सारी, काम शांत ग्रीन कलर के प्रेशियस स्टोन वाली सी है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मतलब इकलौती या अकेली, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाली, वहां पूरी सी में, उस सुंदर सी में जो कि एमेरल्ड की सी है, वहां अकेली मैं ही हूँ, शांत उस अकेली सुंदर सी में अकेली मैं ही हूँ. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड का मतलब जलपरी, वो अपने आप को इमेजिन कर रही है एक जलपरी के तौर पे. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब मस्ती में धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, ड्रिफ्टिंग मतलब मस्ती में धीरे धीरे चलना, ब्लिसफुली मतलब कि एकदम मस्त, मतलब एकदम खुशी से, ठीक है, ब्लिसफुली मतलब इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, एकदम खुशी से, आनंद से, ठीक है. सो देयर इज अ लैंग्विड एमेरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी एंड मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि मैं एक जलपरी हूँ, वैसा वो इमेजिन कर रही है कि एक शांत सागर है, वहां पे समुद्र वही सी है, फिर सी में एकदम ग्रीन कलर के प्रेशियस स्टोन्स एमेरल्ड्स पड़े हुए हैं और एकदम शांत वातावरण में मैं तैरे जा रही हूँ, ठीक है, एकदम शांति से अपनी मस्ती में. सो दैट इमेजिनेशन गोज ऑन ओवर हर हेड, ठीक है, ये सब चल रहा है. अब थर्ड पैराग्राफ, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. अब उसकी मदर कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा पूछ रही है, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो अमेंडा. तो मतलब उसकी मदर ने तीन काम दिए थे और तीनों काम दोहरा रही है कि भाई तुमने होमवर्क किया, तुमने रूम साफ किया, तुमने अपने शूज साफ किए. अच्छा, अब सब उसकी मदर बोले जा रही है, ठीक है, थर्ड स्टैंजा में फिर उसकी मदर बोल रही है और फिर से अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में, अपने ख्यालों में, अब क्या सोच रही है, ख्यालों में, ब्रैकेट में, उसने अपने ख्याल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ठीक है. सो राइटर जो पोएट है उन्होंने जो अमेंडा की फीलिंग्स है, जो उसके विचार है, वो ब्रैकेट में लिखे हैं. सो फोर्थ स्टैंजा सेज, आई एम एन ऑर्फन ऑर्फन, ठीक है, ऑर्फन मतलब अनाथ, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बैर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है. सो अब क्या बोल रही है कि भाई अब वो क्या इमेजिन कर रही है, खुद को एक अनाथ, मतलब अभी आप सोचोगे ये कैसी इमेजिनेशन है, एकदम इमेच्योर वाला, ठीक है, अनाथ बच्चा बेचारे लाइफ क्या, पर ये इसकी इमेजिनेशन है, ठीक है, ये इमेजिनेशन है इस लड़की की कि मैं अनाथ हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली, ठीक है, मैं अकेली हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट पे भटक रही हूँ, ठीक है, मैं एक स्ट्रीट घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हश्ड बेयर फीट, हश्ड का मतलब साइलेंट, एकदम दबे पांव. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मतलब मैं अपने दबे पांव से उस जमीन पे, मतलब मैं अपने दबे पांव से उस सॉफ्ट डस्ट पे, मतलब मिट्टी है, उस मिट्टी पे अपने पैटर्न बनाए जा रही हूँ. द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है, उसको वहां साइलेंस कैसी लग रही है, साइलेंस उसे मतलब एकदम गोल्डन, मतलब सुनहरी लग रही है, मतलब उसके जैसी तो कोई चीज ही नहीं, वहां जो शांति है ना, मुझे अच्छी लग रही है, उसे पेरेंट्स का बोलना या मदर का बोलना उसे कचकच लगता है, उसे वहां वो जो स्ट्रीट पे अकेली स्ट्रीट पे चले जा रही है, उसको वहां की साइलेंस गोल्डन लग रही है, ठीक है, सुनहरी लग रही है. द फ्रीडम इज स्वीट और वहां आजादी उसे मधुर लग रही है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है वहां आजादी जो है, स्वतंत्रता है, क्योंकि वो है अनाथ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है.
इसको अगर आप अलग वे से लो तो कुछ और ही निकले, पर ये पोएट की फीलिंग्स है, ठीक है, ये पोएट की फीलिंग्स है। वैसे तो अगर आप, ठीक है, मैं अपना घुसा रही हूँ थोड़ा सा, अगर मेरे से पूछो तो आप ऐसे दुनिया में ऐसे बाहर निकलो तो दुनिया बहुत बुरी है, ठीक है, पहले तो दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है, अकेले सड़क पे लड़की का मतलब किसी का भी चलना सेफ नहीं है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पर ये इमेजिनेशन है कि वो फ्री होना चाहती है, उसको बोल बोल नहीं चाहिए, उसको बस शांति चाहिए, बस पड़ी रहे और तैरती रहे, ठीक है, वो उसकी फीलिंग्स है, ठीक है। और मे भी कभी कभी हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि भाई क्या ये सब, क्या रूटीन है, क्यों ये सब है, ठीक है, आपके मेरे हम सबके, बट ये कंप्लीट पोएट ने एक लड़की के तौर पे एक लड़की को इमेजिन करके सब लिखा है। वो सोच रही है कि मैं अनाथ होती और स्ट्रीट पे भटकती और मेरे नंगे पांव से, अनाथ है भाई, पैर में चप्पल भी नहीं वैसा समझ लो, और नंगे पांव से दबे पांव में स्ट्रीट पे पैटर्न बनाती हुई चलती, और साइलेंस गोल्डन है वहां, मतलब एकदम सुनहरी कहते हैं ना, साइलेंस एकदम गोल्डन है, एकदम शांति है, और फ्रीडम स्वीट है, और जो आजादी है वो एकदम मधुर है। अब फिर से मदर, अब रियलिटी में जो फिफ्थ स्टैंजा है, फिफ्थ स्टैंजा फिर से रियलिटी की तरफ आ रहा है। व्हाट इज द रियलिटी? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर से अब इसकी मदर क्या बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, तुझे अपने मुहासे याद है ना अमेंडा, मतलब ऐसे अनशन मत खा, तुझे मुहासे निकल आते हैं, मदर बोल रही है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, तू क्या मेरी तरफ देखेगी जब मैं तुझसे बात कर रही हूँ अमेंडा, जब मैं तुझसे जरूरी बात कर रही हूँ तू मेरी तरफ देखेगी, तू मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। ये उसकी मदर बोल रही है, ठीक है। फिर से मदर उसको चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है, उसको उसके मुहासे याद करा रही है, और उससे कह रही है जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देख, वो अपने विचारों में खो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब सिक्स्थ पैराग्राफ। अब फिर से जो अमेंडा है फिर से अपनी दुनिया में चली जाती है, मतलब वो ब्रैकेट फिर से आ गई, सो ब्रैकेट में फिर से उसकी सोच आ गई, अमेंडा की सोच, क्या सोच है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्वल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अच्छा, अब रपंजल क्या है तो मैं भी बॉयज को नहीं पता होगा, पर गर्ल्स अच्छे से जानती होंगी, रपंजल एक फेरी टेल, एक्चुअली एक फेरी टेल थी, उसकी फेरी जो एक परी टाइप थी, ठीक है, परी थी रपंजल, जो कि एक अकेले किले में रहती थी, उसकी बहुत सारी स्टोरीज भी आ गई हैं, फ्रेंचाइजीज आ गई हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जर्मन की, ये जर्मनी की स्टोरी है, सो फिक्शन है, मतलब सच्ची कहानी नहीं है। रपंजल एक ऐसी परी है, ठीक है, परी है जो एक किले में कैद है, मतलब वो स्टोरी ऐसे जितना मैं जानती हूँ, किले में कैद है और उसको एक विच ने, ठीक है, डायन ने उसे कैद कर रखा है, और रपंजल के जो बाल हैं सुनहरे हैं, गोल्डन, बहुत ज्यादा सुंदर बाल हैं, और वो बाल गोल्डन कलर के हैं और 70 feet टॉल हैं, बहुत लंबे बाल हैं उसके, ब्राइट, मतलब रपंजल की सुंदरता आप उसके बाल हैं वैसा समझो, खुद भी बहुत सुंदर है, उसके बाल बहुत ज्यादा सुंदर हैं, ठीक है। सो रपंजल एक परी है या राजकुमारी है, जो भी आप बोल लो, प्रिंसेस फेरी बोल लो, ठीक है, सो फेरी जो भी बोलो। अब क्या बोल रहा है, बोल रही है लड़की, अब इमेजिन ब्रैकेट में तो इसकी इमेजिनेशन है, अब क्या इमेजिनेशन कर रही है वो अपने लिए, वो कह रही है कि आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, क्या कि मैं रपंजल हूँ और मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, ठीक है, रपंजल हूँ, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर,
अच्छा वो मैंने आपको बताया था, वो राजकुमारी टावर मतलब एक किले में अकेली थी, पूरे किले में अकेली रहती थी एक डायने से। तो लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत है, टावर मतलब किला, ठीक है। जो रपंजल जिस किले में फंसी हुई थी वो किला, मतलब वो कह रही है मैं रपंजल हूँ भाई, मैं वो फेरी, मैं वो परी रपंजल हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं टावर में हूँ जो कि शांत है एंड रेयर। मतलब लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब ऐसी लाइफ कम लोगों को ही मिलती है, ऐसी शांत लाइफ कम लोगों को ही मिलती है, अकेली शांत लाइफ, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी मेरे ये सुंदर जो गोल्डन बाल हैं उन्हें मैं कभी भी खराब नहीं होने दूंगी या झुकने नहीं दूंगी, ठीक है। सो मतलब झुकने इन द सेंस भाई मेरी बालों की शान कम नहीं होने दूंगी, इन द सेंस कि भाई बाल खराब नहीं होने दूंगी या कटने नहीं दूंगी, वैसा भाई शान मेरे बालों की शान को कम नहीं होने दूंगी, वैसा समझ लो, ठीक है। आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रपंजल हूँ मुझे कोई परवाह नहीं। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ठीक है। जो जिंदगी है, जिंदगी है जो कि टावर में वो शांत है और बहुत ही मतलब ऐसी जिंदगी कम लोगों को मिलती है, रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं मेरे ये जो बाल हैं सुंदर बाल हैं इन्हें मैं इनको सुंदरता को होने नहीं दूंगी, कम नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब फिर से रियलिटी, ठीक है, फिर से रियलिटी आ गई और फिर से मदर बोल रही है। क्या बोल रही है मदर? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमेंडा। अब मदर लास्ट पैराग्राफ मदर बोल रही है और यहाँ आपकी पोयम पूरी हो गई। मदर क्या बोल रही है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग का मतलब क्या होता है? सल्किंग का मतलब दुखी मुंह नहीं बना। भाई तू तो दुखी मुंह क्यों बना के बैठी है? सल्किंग मतलब दुखी मुंह बना के बैठना। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अभी का अभी ये तेरा दुखी मुंह जो तूने दुख भरा मुंह बनाया है वो बंद कर अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तू हमेशा बहुत मूडी है, मतलब तेरा मूड का खबर नहीं पड़ता है, तू कभी दुखी हो जाती कभी कुछ, तेरा मूड बदलता रहता है, तू बहुत मूडी है। सो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, मदर कह रही है तू बहुत ज्यादा मूडी है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी ऐसे ही सोचेगा कि मैंने तुझे टोका है, भाई मैंने तेरे से टोक टाक की है मैंने तुझे। आई नैग्ड एट यू मतलब भाई मैंने तुझे टोका है या मैं तुझे हैरान कर रही हूँ, कोई भी ऐसे सोचेगा तेरा मुंह देख के अमेंडा, ठीक है। सो मदर इस तरह से उसको टॉन्ट कर रही है। सो द पोयम एंड्स हियर, ठीक है, यही पोयम है। मतलब रियलिटी, अब हमें मदर कोई ऐसे तो नहीं, मदर बोलती है यार मेरी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने, हम सबकी मदर ने बोला होगा मुंह मत बना, मूडी मत बन, ठीक है, ये बोलती है हमारी मदर्स कि ऐसा मुंह मत बना, मूडी मत बन, चल रूम साफ कर ले, अपने जूते पॉलिश कर ले, ठीक है, हम सबकी मदर्स बोलती हैं। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं एकदम मतलब जिनको अलग ही सोच वाले बच्चे, या आप में से काफी बच्चे होंगे, मे भी मेरा बचपन चला गया है तो शायद आपको ज्यादा पता, तो वो फीलिंग्स आती हैं कि भाई शांति चाहिए, कोई बोल बोल ना करे, अपनी दुनिया हो, अकेले हों, एकदम शांति हो, जो मन करे करें, तैरें, ठीक है, जैसे वो अकेली सड़क पे निकल जाऊं, ठीक है। सो ये फीलिंग्स हैं एक टीनेजर लड़की की जो कि दिखाई है हमारे रॉबिन क्लैन में, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी, इसमें यही था कि भाई एक बच्चे के मन की फीलिंग क्या है, आप जैसे बच्चे, ठीक है, आप टीनेजर्स हैं, ये मैं आप अपने अपने साथ ये स्टोरी रिलेट कर सकते हो, पोयम रिलेट कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट अ पोयम। रियलिटी में द वर्ल्ड इज रियली हार्ड, बाहर दुनिया बहुत खराब है, ठीक है। सो यू आर इन द सेफ एंड्स विद योर पेरेंट्स, पेरेंट्स आर द बेस्ट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पोयम, गो थ्रू द पोयम, यही पोयम थी, आई मैंने जस्ट वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया, रीड द होल पोयम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट,
see the video at least two times, at least two times see it, so that you can get the poem very easily. So I am ending my lecture here for part 2. This is the part 2 of today's lecture. Just WhatsApp me that madam I read the whole poem carefully. ठीक है, या तो I understood the poem, ऐसा करके आप कुछ लिखना, so that I can get कि भाई हाँ आपने poem अच्छे से देखी, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, ठीक है, जितनी बारी भी देखनी है देखना. And we are ending here. We will do the question answers tomorrow. ठीक है, just ending it here only. Thank you.